अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो आज की वीडियो देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज की जो प्रोडक्ट है वो है ड्राई शैम्पू। आज मैं ड्राई शैम्पू का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि ड्राई शैम्पू क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं बालों के लिए या नहीं और इनकी क्या प्राइस रेंज है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज जिन ड्राई शैम्पू का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी वो हैं बैटिस्टीस के, और ये इनके चार ड्राई शैम्पूज़ हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक इंसेट ब्रांड है, उनके ड्राई शैम्पू यूज़ करती हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ड्राई शैम्पू होते क्या हैं और हमें उनको क्यों यूज़ करना चाहिए। ड्राई शैम्पू एक पाउडरी फॉर्म होती है जो मोस्टली कॉर्न स्टार्च या राइस स्टार्च के साथ बनते हैं, और ये बालों में हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे बालों में बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस आ जाती है। सो अगर हम बात करें ग्रीसीनेस की, तो जो ड्राई शैम्पू है वो हमारे बालों में जो सीबम आ जाता है यानी कि जो ऑयल आ जाता है उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, और जो हम ये ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं ये हमारे बालों में सीबम जो ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा जो बालों की ग्रीसीनेस होती है, उसकी जो अपेयरेंस होती है हमारे बालों पर ग्रीसीनेस की, वो इम्प्रूव्ड करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है। ड्राई शैम्पू को यूज़ करने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, ये बैटिस्टीक का है 2-in-1 इनविजिबल ड्राई शैम्पू एंड कंडीशनर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 आवर की कंडीशनिंग ये प्रोवाइड करता है, और साथ में ये फ्लेवर है कोका एंड कैशमीर। इसकी बात अगर मैं करूं तो इसके पीछे ईजीली लिखा हुआ है कि हमने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। हम लोगों ने क्या करना है कि अपने बालों के सबसे पहले सेक्शन कर लेने हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अपने बालों पर इसको अच्छे तरीके से स्प्रे आउट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने स्प्रे करने के बाद अपने सारे जो बाल हैं वो नीचे हेड डाउन करना है, और अपने जो हमारे फिंगर्स हैं उनकी टिप्स की मदद से हम लोगों ने अपने बाल पे मसाज कर लेना है, और उसके बाद हमारे बाल रेडी हो जाएंगे इजीली मूव अराउंड करने के लिए। सो हम लोगों ने अगर बात करें इन शैम्पू की, तो इस शैम्पू से यह है कि बालों में बड़ा अच्छा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, और आप कोई भी स्टाइलिंग इसके बाद कर सकते हैं, बालों के इवन कर्ल्स भी कर सकते हैं, और आप इसको 1 से 1.5 दिन ईजीली अपने बालों पे लगाए रख सकते हैं, ग्रीसीनेस वगैरह वापस नहीं आती है। लेकिन ये नहीं है कि हम इसको 3-4 दिन लगाएं और ऊपर कोट नया जो है वो ड्राई शैम्पू का करते रहे, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बेसिकली यूज़ होते हैं कुछ ऐसे इवेंट्स के ऊपर जहाँ पे आपको बहुत जल्दी जाना है, एकदम से पहले से प्लान नहीं था, वहाँ पे आप जल्दी जल्दी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। कोई मीटिंग आ गई है, कोई दावत आ गई है, किसी रिलेटिव की तरफ हमें जाना पड़ गया है, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो इससे हम क्या करते हैं कि बालों में सेक्शन करके अपने बालों पे आप स्प्रे कर लें, और आप इजीली कोई भी फंक्शन अटेंड करने के लिए तैयार हैं। आपके बालों पे आप जो भी हेयर स्टाइल करेंगे वो इजीली आ जाएगा, बल्कि हेयर स्टाइल बड़े अच्छे से स्टे करेगा क्योंकि ये बालों में वॉल्यूम क्रिएट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, इन चारों प्रोडक्ट्स की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत बेस्ट है। इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है फ्लेवर वो है कोका एंड कैशमीर का, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है जो फ्लेवर है वो है ऑरेंज एंड पोमीग्रेनेट का। ये दोनों 2-in-1 है, यानी शैम्पू कंडीशनर दोनों हैं, और इन दोनों के अंदर ओनली शैम्पू है, लेकिन ये भी फ्लेवर वाले हैं। ये जो है ये इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और ये जो है उसके बाद ये मुख्तलिफ किस्म के फ्रेग्रेंस के अंदर ये आते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की, ये है इनसेट का ड्राई शैम्पू, इसमें कंडीशनर नहीं है, ओनली ड्राई शैम्पू है। ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो इनकी 2-in-1 रेंज वाला शैम्पू एंड कंडीशनर वाला है। ये बहुत इजीली बालों पे, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप खड़े खड़े 1 मिनट के अंदर इसको बालों में स्प्रे करें, अपने बालों में अच्छे से मसाज करें, और आप किसी भी फंक्शन पे जाने के लिए, कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए रेडी हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1500 से 1800 के करीब है। चूँकि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में मैंने अभी तक एज सच कोई ड्राई शैम्पू नहीं देखे हैं जो पाकिस्तान मेड हो, सो ये इम्पोर्टेड है, तो ओबियसली इसकी प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ये वर्थ बाइंग है। आप इसको खरीद लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। जो ऑयली स्क्रैप वाले हैं वो इसको यूज़ करें, उसकी जो अपेयरेंस है वो भी बड़ी अच्छी है, और बालों में बड़े अच्छे से स्टे करता है, फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा ये आपको इजीली किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा, आपको अल्फ़ता से मिल जाएगा, और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी दराज पे भी सर्च कर इसको मंगवा सकते हैं, वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। इन शैम्पूज़ को यूज़ करने का किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, तो बालों की बड़े अच्छे से स्मूथ कर देता है और ऑयलीनेस ख़त्म कर देता है। तो इनको मुझे यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके बालों को ना तो डैमेज करेंगे और ना ही ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपके बालों को जो है वो जिसमें फ्रिज क्रिएट करे। सो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू जी मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।